आइए आज इस वीडियो में ही हम ब्रश करने के सही तरीके करें पे बात करेंगे। एक्चुअली हम पहले ये जानते हैं कि ब्रश काफ़ी लोगों को ये भी नॉर्मली ब्रश करना किसे कहते हैं, ब्रश करना हम लोग दांतों की सफाई करने को हम लोग ब्रश करना कहते हैं, जो हम डेली रूटीन में हम लोगों को ब्रशिंग करनी चाहिए। कई बार लोग आते हैं कि हम काफ़ी टाइम से ब्रश नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, उसके बाद भी हमारे दांत ठीक है, बट आगे चल के आपको इसी चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है या आपके मुँह से स्मेल आना, ये सारी चीज़ें ब्रश ना करने की वजह से आपको हो सकती हैं। तो पहले आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें ब्रश कौन कौन से सर्फेसिस पे करना चाहिए। एक तो हमारे आउटर कवरिंग पे हमें ब्रश करना चाहिए, यानी बाहर वाली जो हमारी दिखने वाली सर्फेस है उस पे हमें ब्रश करना चाहिए। एक जो हम लोग खाना खाते हैं ऑक्लूजल सर्फेस जिसे हम कहते हैं, यानी दांत के ऊपर वाले हिस्से पे, यहाँ पे हमें ब्रश करना चाहिए जहाँ से हम खाना चबाते हैं। इन दोनों दांतों के बीच से, यानी ये ऊपर वाले दांत है और ये नीचे वाले, इसके बीच में हम जहाँ से खाना चबा रहे हैं हमें ये वाली सर्फेस भी हमें क्लीन करनी चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सरफेस है, यहाँ जहाँ ज़्यादातर लोग जहाँ ब्रश नहीं करते या उनको ध्यान ही नहीं रहता कि हमें वहाँ ब्रश करना चाहिए, वो हमारी इनर सरफेस है जहाँ पे हमें ब्रश करना चाहिए। नॉर्मली आपके दांत बाहर से दिखते हैं तो ये नॉर्मली हर लोग कर लेते हैं कि हमें बाहर से ब्रश करना है, या फटाफट हम आगे से ब्रश करके या सिर्फ ब्रश करके चले गए। काफ़ी बार लोग अपने पीछे के दांतों पे भी ब्रश करना भूल जाते हैं, या फिर अपने ब्रश पीछे तक पहुंचता ही नहीं है, या फिर सिर्फ आगे वाले दांतों पे जो दिखने वाले हैं उन पे ब्रश करते हैं। जो हमारे मेन खाने के दांत हैं या फिर हम जिससे मैक्सिमम हम लोग फूड च्यूइंग करते हैं, वो हमारे पीछे के दांत होते हैं, यानी हम जिसको जाड़ कहते हैं वो हमारे पीछे के दांत होते हैं, उनकी सफाई हमें बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। तो आइए अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम ब्रश कैसे करें। हमें ब्रश करते टाइम हमें टूथ सरफेस को पूरा कवर करना है और टूथ सरफेस के साथ हमें 1 mm तक जिंजाइवा कवर करना है, यानी मसूड़े कवर करने हैं। अब आप कहेंगे कि हम ब्रश करते समय मसूड़े क्यों कवर करें। मसूड़े अक्सर बोन के टच रहते हैं, बट जो मसूड़ों के सबसे ऊपर वाला पार्ट है या दांत के पास वाला जो पार्ट है, जो दांत और बोन के ऊपर, मतलब दांत के ऊपर रहता है, वो थोड़ा फ्री जिंजाइवा होता है, वो कम्प्लीटली फ्री जिंजाइवा होता है। जैसे अपन खाते हैं, कई बार क्या होता है कि खाना उस मसूड़े में फंस गया है तो वो क्लीन नहीं होता है, इसलिए हमें दांतों के साथ साथ, यानी टूथ सरफेस के साथ साथ हमें थोड़ा जिंजाइवा भी कवर करना पड़ता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रशिंग टेक्निक से, यानी ब्रश कैसे करें। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही ब्रश जो आपका रखा हुआ है, या फिर लास्ट टाइम जब आपने यूज़ किया है तब आपका ब्रश रखा हुआ है, पहले तो आप उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लें। उसके बाद में, वॉश करने के बाद में, ब्रश हमेशा हम लोग लास्ट टूथ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट यहाँ से ब्रश करते हुए यहाँ तक जाते हैं, या फिर आप पीछे से ब्रश करते हुए इस साइड भी आ सकते हैं, यानी हमें हमेशा स्टार्ट लास्ट टूथ से ही करना चाहिए, फ्रंट से नहीं। जब कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, आपने हमेशा ये सुना होगा कि 45 डिग्री पे आपको ब्रश करना चाहिए, या फिर आपने गूगल में कभी भी सर्च किया होगा तो वहाँ पे आया होगा कि 45 डिग्री पे रख के आप ब्रश कीजिए। तो ये बहुत हार्ड होता है, या माइंड में पूरा सेट करना कि हम 45 डिग्री कैसे मेंटेन करें ब्रश करते टाइम, तो वो मुश्किल है थोड़ा मेंटेन करना। बट एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो अगर आप 45 डिग्री मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो जैसे आपका ये ब्रश है इसको आप थोड़ा ऊपर की साइड हल्का, ये चलेगा कि अगर आपकी पूरी 45 डिग्री नहीं है तो भी, बट हल्के आप कोशिश करें कि ये 45 डिग्री तक हो, तो इसमें आपको रोटेट करके नीचे पुश करना है, यानी आपको ब्रश हमेशा हल्का थोड़ा टिल्टेड रखना है, आपको ब्रश करना है और नीचे पुश करना है। आप अगर ऊपर वाले दांतों पे ब्रश कर रहे हैं तो आपको वो इसी तरीके से करना है। ये हमारा ऊपर वाला सरफेस है, ये हमारा नीचे वाला सरफेस है, तो हम ऊपर वाले पे ऐसे क्लीन करेंगे और नीचे पुश, थोड़ा सा आप सर्कुलर मोशन में, फिर नीचे पुश, सर्कुलर मोशन, नीचे पुश। एक दांत पे आप 1 से 2 बार क्लीनिंग करेंगे, और वो नेसेसिटी, ऐसे सर्कुलर मोशन में जब भी आप ब्रश करते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपका फ्री जिंजाइवा में जितना भी फूड स्टक हुआ हुआ है, यानी फंसा हुआ है फ्री जिंजाइवा में, यानी मसूड़ों में अगर आपका फंसा हुआ है, तो रोटेशन से आपका मसूड़ों के बीच में से आपका खाना निकलेगा और हम इसको नीचे पुश कर देंगे, यानी पूरा नीचे निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग आगे का भी सर्फेस की वैसे ही क्लीनिंग करेंगे, रोटेट करो और फिट करें, तो सेम आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है। अब जैसे कि बात रही नीचे वाले टूथ सरफेस को आप कैसे क्लीन करें, सेम नीचे वाले टूथ सरफेस को आपको 45 डिग्री पे रखना है। आपने इसको 45 डिग्री पे रखा, ब्रश किया, थोड़ा जिंजाइवा ब्रश किया और ऊपर, हल्का ब्रश किया और ऊपर, सेम आपको यहाँ करना है। अब आपकी इंपॉर्टेंट सरफेस रही कि आप अंदर की साइड कैसे ब्रश करें, यानी आपने आउटर सरफेस तो मोस्टली लोग अपनी क्लीन कर लेते हैं, बट जो इनर सरफेस है अपनी टूथ की, ये जो इनर सरफेसेस है इसको आप क्लीन नहीं कर पाते, तो
तो इनर सर्फेस को भी उसी तरीके से क्लीन करना है जैसे आपने आउटर सर्फेस को क्लीन किया। इनर सर्फेसिस के लिए आप ऐसे ब्रश रखेंगे अंदर की साइड, इसको यहाँ आप 45 डिग्री बनाएंगे, 45 डिग्री में वही आपको रोटेशन और आउटर साइड पुश, रोटेशन आउटर साइड पुश, यही आगे वाला में आपको करना है, रोटेशन आउटर साइड पुश, रोटेशन आउटर साइड पुश। अब नीचे वाले दांतों में भी आपको सेम वही करना है जो आप ऊपर वाले में कर रहे हैं, अगर आपने ऐसे किया और आउटर साइड। अब मोस्टली ये वाला आप यहाँ वाले दांत भी क्लीन कर लेते हैं पीछे वाले, मोस्टली आपके ये फ्रंट वाले टूथ के यहाँ पे हमेशा आपके कैलकुलस या फिर स्टेन्स जमा रहते हैं, तो इसके लिए आप इसको 45 डिग्री रखेंगे करेंगे और बाहर के साइड रोटेशन और आउटर साइड पुश। अब ये आपके कंप्लीट टीथ क्लीन हो गए, और आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्लूजल सर्फेस, जैसे आपने जहाँ से खाना चबाया उसको आप कैसे साफ करें, ये आपका अपर सर्फेस है, ये आपका अपर है, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे करके क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपके कंप्लीट टूथ की क्लीनिंग हो गई, यानी पूरे अपने क्लीनिंग हो गई।